हमारे शेफ को और भी काम है, अभी वो कुकर में छूकेंगे राइस। तो सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे, आलू प्याज हरी मिर्च, उन्होंने पानी में डाल दी सब कुछ पानी पानी कर दिया है। अब वो कुकर में डालेंगे तेल और मैं चढ़ जाती हूँ इसके ऊपर। तो अब देखिए तेल में डाल दिया, तेल आयो तो गुन्या आ गया, तेल में डाल दिया इन्होंने राई। तो शेफ का कहना है पक जाएगा तेल, क्योंकि मैं तो एकदम पका के डालती हूँ तेल को, अदरवाइज हल्की महक आने लग जाती है सरसों के तेल। क्या कम एक्सपीरियंस्ड हूँ? हाँ, मैं थोड़ी कम एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो शेफ का कहना है कि आप थोड़ा कम एक्सपीरियंस्ड हो, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे जैसा करना है वैसा करने दो, बीच बीच में मत बोलो तो ये शेफ मुझे बोलने नहीं दे रहा और मैं देखो ऐसे बैठी हूँ, ये कुकर और ये मैं ट्राइपॉड बन के पट्टी के ऊपर बैठी हूँ। वैसे मैं ट्राइपॉड भी लेकर आई हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ही ट्राइपॉड हूँ। अच्छा, तो शेफ का कहना है कि आपकी बातों में अगर मैं कुछ भूल गई तो मेरी गलती नहीं है। और हमारी राइस जो है इधर चटकने लग गई है, हमारी बातें ऐसे चल रही हैं बट राई जो है वो चटक रही है। तो अभी डाल दिए इन्होंने हल्दी, और हल्दी डालकर इसको अच्छे से चला दिया है। और अब ये डालेंगे इसमें ये आलू प्याज। आलू प्याज डल गए हैं कुकर के अंदर, तो हल्दी इन्होंने पहले डाली है। अच्छा अच्छा, तो हल्दी इसलिए डाली गई है ताकि छोंक जो है वो भाप बनकर ऐसे ऊपर ना आए और हमारा किचन गंदा ना हो। तो इसके लिए इन्होंने ये ट्रिक आजमाई है और हल्दी डाली है। और अब इसमें डाल रही है मसाले। तो मसालों में हल्दी तो इन्होंने पहले डाल दी थी, बट फिर से डालेंगे मिर्ची, हल्दी और इसके साथ ही क्या डाला जा रहा है, नमक स्वाद अनुसार इसके साथ ही। और क्या डाला जाएगा बताइए, पहले इसको चलाया जाएगा। अच्छा पहले इसको चलाया जाएगा। अच्छा गैस बंद करके फिर इन्होंने सब्जी छोंकी है ताकि छोंक जो है वो ऊपर ना जाए। काफी अच्छा जो है कलर आ चुका है हमारी सब्जियों का, आप देख सकते हो एकदम अच्छा सा कलर आ रहा है। तो अभी ले आई है ये पानी का लोटा और इसमें जाएगा अभी पानी। कितना और पकाना है इसको बताइए। तो अभी इसमें पानी डाला जा रहा है, पहले अच्छे से पका नहीं था, तेल ऊपर नहीं आया था इसलिए पानी नहीं डाला था। अब इसमें पानी डाल दिया है मासी ने, तो पानी में बॉयल आ गया है। तो अभी मासी डालेंगे इसमें राइस, ये राइस इसके अंदर। तो ये किया जा रहा है इसको मिक्स, और फिर कितनी सीटी लगवानी है शेफ? दो सीटें लगवानी है इसको और हमारे राइस जो है वो बन जाएंगे। पानी इनफ है ये? एकदम सही है। तो चलिए कुकर कर दीजिए बंद और इसके दो सीटें लगाई जाएंगी, उसके बाद हम देखेंगे राइस कैसे बने हैं हमारे शेफ के। और शेफ इतना इसकी आवाजें कर रहा है कि कुछ बोलने नहीं दे रहा है, और बाहर भी इतनी आवाजें आ रही हैं। तो इसके सीटी लगने देते हैं, बाद में जब खुलेंगे तब हम मिलेंगे आपसे। ये हमारा कुकर जो है वो खुल चुका है और मासी के राइस जो हैं वो बन गए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी खाते हैं, खाकर आपको रिव्यू देते हैं कि कैसे बने हैं। मैं ले आई हूँ राइस विद पुदीना चटनी, तो चलिए अब खाते हैं और एंजॉय करते हैं इसको। ये तो मैंने अभी तक लगा रखी है, बट आपको मैं राइस खा के दिखाती हूँ, है ना। तो गर्म एक्चुअली, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर बताती हूँ आपको कैसे हैं। तो ये लेंगे थोड़े से राइस, थोड़ी सी चटनी मिलाएंगे। ये चटनी मुझे इतनी टेस्टी लगती है ना कि मैं इसके साथ ही इसको खाने वाली हूँ। और फिर मजा आ गया, मजा। ट्राई कर सकते हो, बस मासी का हाथ चाहिए उसके लिए, मासी के हाथ की बात ही अलग है।